नाज़रीन वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बात हो रही है नौजवानों के हवाले से, नौजवानों के मसाइल के हवाले से और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। जनाब आप कुछ कहना चाह रहे थे? नौजवान खुश नहीं है। नौजवान खुश है जनाब? आपके सामने वहाँ पे लोग बैठे तो कह रहे थे कि हम यहाँ से जाले जाना चाहते हैं। गैर जिम्मेदार है। कैसे गैर जिम्मेदार है? इतने सारे नौजवान खड़े हुए हैं, इनसे मुझे अपने अम्मा अब्बा की कितनी बातें मानते हैं। ये जिम्मेदारी का एहसास दिलाना किसकी जिम्मेदारी आखिर? जिम्मेदारी का एहसास दिलाना अपने माँ बाप को, अपनी बात मनवाना, वो किस माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं लगती आपको? माँ बाप तो बोलते हैं कितने अपने माँ बाप की बात मानते हैं। माँ बाप कहते हैं सिगरेट नहीं पियो, बाहर जाके सिगरेट पी रहे होते हैं। बात करने बात मनवाने का तरीका आपको नहीं लगता कि शायद माँ बाप का गलत हो? फिर नहीं नहीं माँ बाप मतलब कि डांट, अगर डांट के कहते हैं बेटा सिगरेट नहीं पियो तो वो बच्चे को, अगर उनको मतलब माँ बाप ने बच्चे को जानते हैं ना। मैं रिश्वत नहीं देता। सही है, ठीक है। आप मैं आपसे पूछना ही चाह रहा हूँ कि माँ बाप ने बच्चों को जानते हैं ना मेरे दोस्त? रिश्वत देंगे तो अगला रिश्वत मांगेगा ना। आप उसके मुंह पे दें कैसे रिश्वत मांगेगा? आप वहाँ चीखो उसकी वैसे ही हालत खराब हो जाएगी। सही, मतलब आप कह रहे हैं नौजवानों से रिश्वत ना दे। चोर हमेशा घबराता है। सही जी जनाब। सर इन्होंने कहा ना कि माँ बाप की बात नहीं मानते, अब हमारा इन्वायरमेंट ही ऐसा है। अब पेरेंट्स कहते हैं कि आप कॉलेज जाओ, आप कॉलेज जाते हैं वहाँ पे तंजीम्स होती हैं। अब तंजीम से बच्चा बचने की कोशिश करेगा या तंजीम में जाके गोली खा ले, अब उसमें वो बच्चा कॉलेज नहीं जाता, तो अब माँ बाप की बात हम कैसे माने? ये बात इन्होंने बिल्कुल सही की कि बच्चों के जो मसाइल होते हैं माँ बाप एक यक तरफा, कई दफ़ा ऐसा होता है, मतलब मैं माँ बाप को कसूरवार नहीं ठहरा रहा इस बात का, मतलब वो उन अब जो मौजूदा ये जो नौजवान नस्ल है ना, इसके मसाइल वो नहीं थे जो माँ बाप के थे जब वो नौजवान थे। ये एक डिफरेंट दौर के अंदर परवरिश हासिल कर रहे हैं, तो जब इन मसाइल को वो नहीं समझते, आपके माँ बाप ने जिस दौर में स्कूल गए थे या कॉलेज गए थे वो दौर नहीं था जहाँ पे टारगेट किलिंग की ये सूरत हाल थी, ठीक है? वो दौर, वो फर्क दौर था। ये दौर फर्क है अपने बच्चों के साथ दोस्ती कायम करना और उनके मसाइल को गहराई से समझ के जो है उनसे अपनी बात मनवाना, वो आजकल की ज्यादा जरूरत है। कोई माँ बाप जो है ना अपने औलाद के ऊपर सख्ती नहीं करता है। नहीं, ये बात आप गलत कह रहे हो। अच्छा वो इस बात का जवाब देना चाह रहे हैं जी। पेरेंट्स की बात मानना आजकल, अब पेरेंट्स अपने वे ऑफ, जब उनकी जनरेशन का जो सोच ऑफ लेवल था और हमारा, वो थोड़ा डिफरेंट है। अब वो अपने लिहाज से सोचते हैं कि इंसान को पढ़ना लिखना चाहिए। अब वो उनके पढ़ने का स्टाइल, अब जिस तरह पहले फॉर एग्जांपल पहले मैट्रिक करके लोग ऑफिस से जॉब्स करते थे, आजकल ग्रेजुएशन के बाद भी किसी को अच्छी जॉब नहीं मिलती। तो अब ये इनका ये सोचने, अब ये कहने पेरेंट्स का, वो मैट्रिक के बंदे का सोचने का लेवल और एक ग्रेजुएशन के सोचने का लेवल डिफरेंट होता है। अब वो उस लिहाज से सोचते हैं और हम इस लिहाज से सोचने, तो सोच का फ़र्क होगा। अब इस लिहाज से पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि वो बच्चा क्या सोचता है, वो अपने पुराने लिहाज से सोचते हैं। कोई 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 पेरेंट इस बात का जवाब देना चाहेगा, आप मेरे ख्याल से एक पेरेंट है, आप इस बात का जवाब देना चाहेंगे जो बच्चा बात कर रहा है कि बच्चे की जो ख्वाहिशात हैं और जदीद ज़माने की जो ज़रूरियात हैं और उनके हालात हैं, उनको मद्देनज़र रख के माँ बाप नहीं डिसीजन लेते और वो अपने आप को थोपने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा मज़ीद फ्रस्ट्रेटेड होता है। सियासी सूरत हाल से तो होता ही है, घर पर भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है। क्या कहेंगे इस बात से? ये बात हकीकत है, क्योंकि मीडिया आजकल इतना आगे चला गया है कि वो एक ख़राब चीज़ को भी बड़ा अबतर दिखा रहा है। मतलब सिगरेट पी रहा है और शेर से लड़ रहा है, ताकत दिखा रहा है उसके अंदर कि सिगरेट पीने से ताकत आती है। आप पीटी ने मना किया है जनाब, ऐसे इश्तहार टीवी पे चलाने की इजाज़त नहीं। टीवी ने दिखाया नहीं, दिखाया आपकी मीडिया ने, माजी में दिखाया, अब जदीद दौर में नहीं दिखाया। आज मीडिया क्या वो सब कुछ दिखा रहा है जो हमें दिखाना चाहिए? बाप की हैसियत से मुझे बताएं, अगर आपका बच्चा जो है वो कहता है कि अब्बू मुझे आर्टिस्ट बनना है, ठीक है, मैं पेंटिंग करना चाहता हूँ और मैं आगे चल के बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ और अपनी पेंटिंग्स को बेचना चाहता हूँ बैनुल अक्वामी सतह पे, आप बेचने देंगे उसको? आप करने देंगे? आपको वो तालीम हासिल करने देंगे? उसकी ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए, जायज। मतलब ये जायज ख्वाहिश, ये आपके हिसाब से नाजायज ख्वाहिश है? कौन सी? पेंट आर्टिस्ट बनना? नहीं नहीं, जायज ख्वाहिश है। जायज, तो आप इस बच्चे की बात से इत्तेफाक करेंगे? ये काम है, ठीक है, मगर मैं एक मैं देखिए, सॉरी आप क्या कह रहे हो? वो आर्टिस्ट अपने एक करता है लेकिन आगे उसका फ्यूचर ही नहीं पाकिस्तान के लिए। अगर वो करते हैं क्या सब करेगा आगे? सर पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम हो चुका है कि हर चीज़ का मतलब मेरिट पे नहीं है सिचुएशन। अगर हम एक आर्टिस्ट एज आर्टिस्ट वो अगर अपने आप को आगे लेके जाना चाह रहा है तो किधर करेगा? पाकिस्तान में सोर्सेज ही नहीं है, फील्ड ही नहीं है कि वो उस अपनी अपनी जो आर्टिस्ट दिखा सके। अपना पाकिस्तान का निज़ाम, अपनी जो इकॉनमी इतनी लो हो चुकी है, पेरेंट्स अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं लेकिन हमें एज अ स्टूडेंट, एज हमें हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम अपनी अपनी स्टडीज़ मुकम्मल करें। अपने हमारे अंदर इतनी मेच्योरिटीज़ भी नहीं है। हम जो आपके हिसाब से स्टडीज़ कौन सी करनी चाहिए, मतलब ये फैसला बच्चों को करने का अख्तियार होना चाहिए माँ बाप का? हमें तो हमें करना चाहिए लेकिन हमें अपने पेरेंट्स, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें सपोर्ट भी करते हैं लेकिन एक चीज़ जो है पाकिस्तान का जो निज़ाम हो चुका है वो नहीं कर सकते। बंदा जो
आगे इतनी सोर्सेज नहीं है कि वो अपना जो अपने जो टैलेंट्स है वो अपने आप को कर सके। मेरिट के जो दर्जियां उड़ा चुके हैं, क्या बंदा करे, कुछ नहीं कर सकता बंदा। ठीक सही, मतलब निजाम की वजह से जो हमारा नौजवान है वो यार कमाल बना हुआ। आपका अपना मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है पाकिस्तान में? रोशन बंदा हर कोई तो रोशन नहीं आ सकता। अब एक बंदा अगर एनएनडी में एडमिशन लेना चाह रहे तो जिसके परसेंटेज जो 83 है या 80 से अब सिर्फ वही आ सकता है। जो 65 से अब है उसमें किसी और का टैलेंट है वो तो बेचारा जो है धक्के खा रहा होगा, या उसके पेरेंट्स जो है ना, पेरेंट्स जो है वो कोई अगर ऊंचा स्टैंडर्ड रखते होंगे तो वो आगे आ सकता है। लेकिन जो आम जो है गरीबों के जो बच्चे आ रहे हैं वो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सही, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताइएगा, आप माशाल्लाह शादीशुदा जी और वालिद भी बन चुके हैं, आपको क्या लगता है, आप समझते हैं कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला आप करेंगे या फिर उन पर छोड़ देंगे? यार पहली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो मैं ये करूँगा कि वो जो भाई ने बात कही थी कि जो है वो जो है आवाम जो यंगस्टर्स जो है ना वो सही नहीं जा रहे अपनी फील्ड में, बिल्कुल सही गई इनकी बात से, इस वाली बात से इत्तेफाक़ करूँगा कि माँ बाप ने कहा कि बेटा कॉलेज चला जा, नमाज़ पढ़ ले या सिगरेट छोड़ दे, तो वो नहीं छोड़ता। अभी एक लड़की सेट हो जाएगी और वो रात के 2 बजे CV पे बुलाएगी, सर्दी में वो भागा हुआ जाएगा, अपने दोस्तों से बाइकें मांगेगा और पेट्रोल के भी पैसे लेगा, उसके बाद टाइम भी मिल जाएगा। क्या ये सही कह रहे हैं? ठीक है ना, वो पूरी बात पूरे उसके तमाम हुकूक जो बनते भी नहीं है ना वो पूरे करेगा। लेकिन माँ बेचारी बोलेगी बेटा नीचे से जाके मेरे लिए दवा लिया, तो वो बोलेगा अम्मा आए बाएँ शाएँ। ठीक है, और जो वो भाई ने बात की कि जी रिसोर्सेज नहीं है, मेरे बॉस का कहना यह है कि इस अगर यहाँ पर बेसिकली मुस्तकबिल जो है ना वो पैसा है, ठीक है नाम भी है लेकिन पैसा भी है। मेरे बॉस का कहना है कि इस मुल्क में पैसा हवा में उड़ रहा है, जिसमें हिम्मत है वो उछल के पकड़ ले, और वो शख्स कमा भी रहा है, ऐसा नहीं है कि सारे भूखे नंगे, कमाने वाला कमा भी रहा है। आप में स्किल्स होने चाहिए, आप करेंगे। थोड़ा सा बात है इख्तियारात की, बस आधा मिनट लूँगा मैं, थोड़ी सी बात आती है इख्तियारात की। ये मकसद इस तरह के हमारे जो हुक्मरान, हमें बदनसीबी है हमारी कि हमें मिलते हैं और फिर ये कहते हैं कि यार हम तो कोशिश पूरी कर रहे हैं, हमारे लोग इतने शहीद हो गए, फलाने हो गए। इन पर बस मैं एक शेर कहकर ये बात ख़त्म करूँगा कि जिस तरह के हुक्मरान कहते हैं कि हमने इतनी लाशें दी, इतने लोग दिए और हम सबसे मजलूम हैं, तो ये कहते हैं कि शायर का बड़ा प्यारा कहना है कि सबका हक मार के भी महरूम नज़र आता है, सबका हक मार के भी महरूम नज़र आता है, कितना जालिम है कि मज़लूम नज़र आता है। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आपने स्किल्स की बात की, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि स्किल्स डेवलप कैसे किए करें, नौजवानों की स्किल्स डेवलप करने का स्किल की जिम्मेदारी हुक्मरानों की भी है और माँ बाप की भी है सबसे, और हुक्मरानों को तो अल्लाह हाफिज़ है, उन्होंने तो मेरे ख्याल से जो स्किल्स डेवलप किए उसे तो मेरे ख्याल से पूरा शहर जो है वो परेशान हुआ है नौजवानों की, बट माँ बाप कैसे क्या करें, कैसे स्किल सेट डेवलप करें, किसकी जिम्मेदारी है ये? देखिए जी, सबसे पहले ये होता है कि एक दूसरे को एतमाद में लेना, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कॉन्फिडेंस, सपोर्ट। सपोर्ट आपको सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से तो मिलना एक तरीके से समझ लें कि ना होने के बराबर है। आपको सबसे पहले अपने घर से सपोर्ट लेनी चाहिए। सही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कबीले में पैदा हुए उस वक्त अरब नहायत ही बदकारी में और बहुत ही पीछे जा चुका था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही जज्बा, उनको मैसेज भी यही था, उनको उनके घर से सपोर्ट मिली, उनके चचा ने उनकी हेल्प की। तो आपको आपके घर से हेल्प होना बहुत ज़रूरी है, और आपको चाहिए कि अपने माँ बाप, अगर आपके माँ बाप चाह रहे कि आप डॉक्टर बने और आप चाह रहे कि इंजीनियर, तो आपस में बाहम मशवरे से ये बातचीत करें, एग्जैक्टली एक दूसरे को कॉन्फिडेंस मिले कि अब्बू मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये फ़वाद है, आगे ये रास्ते, इसमें 5 रास्ते हैं, इसमें 1 रास्ता है, इसलिए चांसेस कम है और इसमें ज़्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वेंस, क्योंकि जब तक आपका दिल नहीं होगा किसी काम में आप उसको जो है नहीं कर सकते, ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते। आपसे, आप बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आया हूँ, क्या कहेंगे आप? देखिए जहाँ तक नौजवानों के फ्रस्ट्रेशन का ताल्लुक है तो उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जब तक बुनियादी तालीमी निज़ाम एक जैसा नहीं होगा ये मसला हल हो ही नहीं सकता। यहाँ पाकिस्तान में गरीबों की तादाद ज़्यादा है और मिडिल क्लास की तादाद तो कम है उससे, लेकिन अमीर जो हैं उनके बच्चे जो हैं ए लेवल ओ लेवल पढ़ रहे हैं, अपने कैम्ब्रिज पढ़ रहे हैं, और उनको मौके इतने मिलते हैं कि वो मुल्क से बाहर जाके तालीम हासिल करते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं, ज़ाहिर है जब एक बंदा 1 करोड़ रुपए खर्च करके तालीम हासिल करके वहाँ से सर्जन बन के आया है तो यहाँ वो खिदमत करने नहीं आया है, वो यहाँ आके कसाई बन जाता है और वो जो है नोट छापने की मशीन। बिल्कुल नाज़रीन, बात हो रही है नौजवानों के हवाले से, नौजवानों के मुस्तकबिल के हवाले से और किस तरीके से नौजवानों के मसाइल को दूर किया जा सके, इस मौजू पर हम बात करें, हमारे साथ रहिएगा।